गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा लेक्चर रहेगा, हमने उससे पहले पढ़ चुका था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बात करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे उत्पाद हैं, उत्पादन जो हमने किया है, हमारा भंडारण है, उसको हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं जो लोग उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक चेन है, जो एक कड़ी है जो हमारे प्रोडक्ट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाती है, जिसको मैनेजमेंट किया जाता है कि ये किस प्रकार से उन लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो इस प्रकार से हमारी एक परिभाषा है, इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन है रिप्रेजेंट द मैनेजमेंट द एंट्री सेट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्टिविटी वाइज विच आर कंज्यूमर इज सप्लाइड विद आर डिजायर प्रोडक्ट। यानी का मतलब कि उत्पादन विनिर्माण या परिवर्तन या वितरण और विपणन मतलब मार्केटिंग गतिविधियों के एक पूरे सेट के प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करना है, जिसके द्वारा एक उपभोक्ता मतलब कि जो कंज्यूमर है को वांछित उत्पाद प्रदान किया जाता है, मतलब कि जो वंचित रहता है उस प्रोडक्ट से, जो हमें हमारे उनके पास पहुंच नहीं पाता है, वो सारी चीजें उनको पहुंचाने की क्रिया है ये। ठीक, तो इसको हम कहते हैं मार्केटिंग आ जाएगा, इसमें मार्केटिंग है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस प्रकार से ये सारा काम किसको किया जाता है, कंज्यूमर को। ठीक, और उसके बाद एक इसकी चेन क्या है, तो सबसे बड़ी चेन क्या है इसमें, अब ध्यान में रखें, चेन है इनपुट इंडस्ट्री, इनपुट इंडस्ट्री। अब इनपुट इंडस्ट्री क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को फॉरवर्ड करती है, मतलब कि भेजती है किसके पास, फार्मर, फार्मर, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद ये फार्मर ट्रेड तक मतलब व्यापार तक पहुंचता, मतलब किसान व्यापार तक पहुंचता है इसका वितरण, फिर पहुंचता है सेंटर, रिटेलिंग। ठीक, तो हमारा पहला चरण क्या है, इनपुट इंडस्ट्री, हमारे पास जहां से ये प्रोडक्ट भेजा जाता है किसके पास भेजा जाता है, फार्मर, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, जो किसानों को वितरण करने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं, और वो चीज उन सेंटरों तक पहुंच जाती है जहां से फुटकर विक्रेता मतलब कि खुदरा विक्रेता वो चीज को परचेज करते हैं। उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी आ जाते हैं, छोटे छोटे जो शॉप जो दुकान खोल रखी है उन्होंने बिजनेस की, वो भी व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पहुँचता है, उसके बाद फिर ये हमारी एक प्रक्रिया है। ठीक, ये तो हमारी सप्लाई चेन की बात हो गई। अब बात आ जाते हैं एडवांटेज पे, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, तो बात कर लेते हैं एडवांटेज।
एडवांटेज ऑफ सप्लाई चेन। शॉर्ट में लिख देते हैं इसको हम SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, आपको ध्यान में रखना है इसकी फुल फॉर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब बात आ जाती है कि इसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा है कि परिवहन मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण में उत्पाद के नुकसान को कम करना। कहने का मतलब कि ऐसा मैनेजमेंट करें जिससे हमारा जो उत्पाद है वो समय से पहुंच जाए, हमें कोई हानि ना हो, तो इसमें ये हमारी मदद करता है। दूसरा, प्रौद्योगिकी उन्नत तकनीकों का प्रसार करता है। दूसरा कि ये हमारे जो भी नई तकनीकी है वो आसानी से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, क्योंकि एक मैनेजमेंट चेन हमारे अकॉर्डिंग तहत ये सारी सुविधाएं उनको जल्दी से पहुंच जाती हैं। तीसरी बात, श्रृंखला भागीदारों के बीच पूंजी और ज्ञान, मतलब कि उसके तहत रोजगार भी देना है, लोगों को ज्ञान भी उपलब्ध कराना है, जिससे वो अपना व्यवसाय भी करते हैं और लोगों को ज्ञान भी बांटते हैं। ठीक, ये बात हो गई। चौथा हमारा है उत्पादों, बाजारों और प्रौद्योगिकों के प्रवाह के बारे में बेहतर जानकारी। चौथी बात हमारी ये है कि उनको किस प्रकार से लोगों के बीच में लेके जाना है, उन लोगों को जानकारी बतानी है कि भाई ये प्रोडक्ट इस प्रकार से आपके लिए सुटेबल है। दूसरी बात, अगर हमारी जब सप्लाई चेन अच्छी होगी तो हमें समय पर सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक, इस प्रकार से ये भी बात होगी। उसके बाद इसकी सुरक्षा और गुणवत्ता पर भी ध्यान रखा जाता है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट होगा वो बेहतर अच्छा होगा। ठीक, उसके बाद बड़े निवेश और जोखिम साझा किए जाते हैं, मतलब कि बड़े निवेश भी बहुत किए जाते हैं, जिससे कि सप्लाई चेन अगर होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है वो अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में, तीसरे राज्य में अपना विस्तार कर रही है, मतलब कि उसकी सप्लाई चेन अच्छी है कि वो अपना सारा प्रोडक्ट इन शहरों में, इन राज्यों में भेज रही है। ठीक, इस प्रकार से ये सप्लाई चेन का मतलब है। तो ये तो हमारे एडवांटेज हो गए, एडवांटेज में रिडक्शन ऑफ प्रोडक्ट लॉसेस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, पहला डेस्टिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्निक कैपिटल एंड नॉलेज अमॉन्ग द चेन पार्टनर। ठीक, वही बात मैंने बता दी आपको। तो ये सारे आपके एडवांटेज हैं। अब बात करते हैं हम स्टेज की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, स्टेज। पेपर में आता है तो ध्यान में रखना है आपको, स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन के स्टेज कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि हमें सप्लाई चेन जब करनी है तो हमारे लिए सबसे पहले कस्टमर तो होना चाहिए। जब हमारे पास कस्टमर ही नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट किसके पास जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा कस्टमर। उसके बाद अब दूसरी बात हमारी आ जाती है, जब कस्टमर हमारे पास है तो रिटेलर भी होना चाहिए, क्योंकि उसको खरीदने लेके जाने वाला भी होना चाहिए ना, तो उसको बेच सके मार्केट में, तो ये भी रिटेलर हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा रिटेलर। उसके बाद अब जो रिटेलर हो गया हमारे पास, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि रिटेलर जब होता है कि ये हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है और बताता है कि भाई आपको ये प्रोडक्ट, मतलब कि आपका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी अपनी वस्तुओं का प्रचार करता है, तो ये प्रचार करने वाला व्यक्ति है, ये बताता है कि भाई हमारे पास ये सुविधाएं हैं, ये प्रोडक्ट हम चलोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। तो उसके बाद ये क्या करता है, तीसरे पर्सन को देता है, होलसेल सेलर को। होलसेल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक, तो ये होलसेलर की बात पास पहुंच जाता है।
अब हमारा चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्चर्स कहते हैं, ठीक है, या फैक्चर भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से अब इसको जब ये प्रोडक्ट इसके पास होलसेलर के पास आया तो इसने क्या किया, अपने विनिर्माण कर दिया लोगों को। जैसे कि बहुत बड़ी शॉप है, ये होलसेलर है, यहाँ से छोटे छोटे दुकानदारों को दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, विनिर्माण कर दिया उन्होंने, ठीक। उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा है फिफ्थ, फिफ्थ में है कंपोनेंट। कंपोनेंट्स में या रॉ मटेरियल, सप्लायर। अब ये सप्लायर हो जाता है, मतलब कि ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ तक पहुंचे, मैन्युफैक्चरिंग हुआ। अब ये हमारे छोटे छोटे जितने भी शॉप हैं, जितने छोटे छोटे दुकानें हैं मार्केट में, विलेज में, तो वहाँ तक ये सारी चीज़ें हमारी पहुँच जाती हैं। और ये हमारी एक सप्लाई चेन है, यहाँ कस्टमर्स ढूंढे गए, रिटेलर आया, होलसेलर आया, मैन्युफैक्चरिंग आया, उसके बाद कंपोनेंट्स, ओके। ये हमारी बात है, क्या है, स्टेज, ये हमारी एक स्टेज है, ओके, चरण है हमारी। ये तो बात यहाँ होगी हमारी। अब उसके बाद बात करते हैं हम स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब एग्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इस स्कोप की बात आ जाती है। अब स्कोप जब हमारा होगा तभी तो हमारी सारी सुविधाएं अच्छी सी जाएंगी। तो हमें देखना है कि हमारी जरूरत क्या है, लोगों की जरूरत क्या है, और जब ये सारी चीजें हम देख लेते हैं तो हमारे इस चीज की, हमारे उत्पाद की, हमारी प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू और गुणवत्ता के आधार पर उसकी डिमांड बहुत अच्छी हो जाती है। जब डिमांड होगी तभी हमारी सप्लाई चेन भी बहुत अच्छे से काम करेगी, वर्क करेगी, कि भाई अगर हमारा प्रोडक्ट जब बहुत अच्छे से बिक रहा है तो हम क्या करें कि अपनी सप्लाई चेन को ना टूटने दें। तो इससे क्या होता है कि हमारे किसान भाई हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, वो आसानी से अपने जरूरत की चीज को खरीद सकते हैं। तो ये हमारे किसानों के बीच एक संबंध स्थापित करता है, विकास करता है लोगों के बीच में जाके, कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही पुराना टाइम पे मिल जाती है, मतलब कि आप उस चीज़ को तुरंत खरीद सकते हैं जाके। क्योंकि हमारे जब मार्केट में जब प्रोडक्ट आ रहा है तो हम उसको खरीदने जाएंगे, अगर जब नहीं आता तब दिक्कतें होती, तो हमारा संबंध टूट जाता कि भाई प्रोडक्ट आ नहीं रहा तो हम क्या करेंगे जाके। फिर इस प्रकार से सप्लाई चेन का यही है कि ये बहुत ही ज्यादा हमारे लोगों को प्रभावित करती है। ये हमारा स्कोप है, ये किसानों के संबंध में भागीदारी रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। और उसके बाद ये सदस्यों के बीच संबंधों को विकास करता है। तो इस प्रकार से ये हमारे मानक स्थापना जो भी हमारी चीज़ें उनको भी बढ़िया रखता है। बाकी जो भी हमारे प्रत्येक स्तर है, आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के भीतर और लिंकेज प्रक्रियाओं के प्रदर्शन का अनुकूलन भी करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, स्कोप, स्कोप हमने आपको बता दिए, स्कोप की बात हो गई ऑफ एग्री चेन मैनेजमेंट, एग्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें भी बहुत ही जरूरी थी, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि स्कोप ऑफ एग्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, ठीक। तो ये तो बात हमारी सप्लाई चेन की हो गई। अब बात करते हैं हम साइकिल, साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन प्रोसेस। तो ये भी हमारे
फोर पॉइंट होते हैं इसमें। तो सप्लाई चेन में क्या पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, आप मैंने आपको बताया था कस्टमर्स ऑर्डर साइकिल। दूसरा पॉइंट हमारा है रिप्लेनिशमेंट साइकिल। तीसरा पॉइंट हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है प्रोक्योरमेंट साइकिल। तो सबसे पहले क्या है कि कस्टमर ऑर्डर, मतलब कि हमारे जो ग्राहक हैं वो क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, मतलब कि अपने डिमांड करते हैं कि भी हमको ये चीज चाहिए। जब हमारी डिमांड ये होती है तब रिप्लेसमेंट होता है कि भाई यहाँ ये चीज़ें हैं, और उसके बाद भी कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हमने देखा और उसको क्या ज़रूरत नहीं थी उसको हम रिप्लेसमेंट भी करते हैं कि ये चीज़ इनके लिए ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दीजिएगा और इसमें ये चीज़ जोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसका विनिर्माण करते हैं कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ इसको किस प्रकार से इसको कंटिन्यू करना है, और उसके बाद प्रोक्योरमेंट करते हैं, उनमें संबंध स्थापित करके उस चीज़ को लोगों तक पहुँचा दिया जाता है, उस बीच मध्यस्थता रखी जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक साइकिल है, ठीक है, एक दृष्टि हुआ मतलब चक्र है। तो ये हमारे फोर पॉइंट हुए, आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारी ड्राइवर, ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस पर फॉर। अब सबसे पहले हमारी बात क्या ड्राइव, मतलब कि हमारे ड्राइवर कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब कि हमारी ड्राइव जो कार्य हमारे उसमें सुनिश्चित करते हैं। तो सबसे पहले बात हो जाती है कि हमको क्या चाहिए कि इन्वेंट्री चाहिए। पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इन्वेंट्री, जो हमारे लिए वर्क करता है। तो क्या इन्वेंट्री इज आर नथिंग बट रॉ मटेरियल वर्क इन अ प्रोसेस एंड फिनिश गुड विद अ सप्लाई चेन। मतलब कि ये अपने जो गुड्स है वो को बनाए रखता है, उसको एक मेंटेन प्रक्रिया में रखता है। उसके बाद फिर इसकी दूसरी क्रिया हमारी आती है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद हम इसको अपने जो भी हमारे ड्राइव है ये इन्वेंटर हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टर, क्योंकि अगर हमारे पास परिवहन नहीं होगा तो हम अपनी सप्लाई चेन को कैसे बनाए रखेंगे, तो सप्लाई चेन के लिए ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद फैसिलिटी आ जाती है, फैसिलिटी, और फोर्थ पॉइंट हमारा हो जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक। तो ये हमारे चार पॉइंट से कौन ड्राइवर है, ये ड्राइवर है कि पहला व्यक्ति, ये भी होना हमारे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी, इन्वेंटर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेंटर नहीं होगा तो हम अपने ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पहलू है। तो इन्वेंटर होगा फिर ट्रांसपोर्टेशन बहाल हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद सुविधाएँ भी होनी चाहिए कि हम अपनी सुविधाएँ किस प्रकार से हो सकती हैं हमारी, कि वो भी हमको फैसिलिटी उपलब्ध होनी चाहिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट हम कहाँ पहुँचाना है, ये किस लिए है, कहाँ किस कब और कितने समय पहुँचना,
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमारे ड्राइवर्स हो गए। ठीक, तो ये तो बात हमारी हो गई। उसके बाद प्रमोशन एक्टिविटीज में आ जाते हैं। प्रमोशन एक्टिविटीज, तो ये प्रमोशन एक्टिविटीज का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि अब बात आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की हमारी, प्रमोशन। प्रमोशन एक्टिविटीज, ठीक, नीडेड। तो ये हमारे एग्री सप्लाई चैनल, मतलब कि ये भी अभी सप्लाई चैन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। ओके, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नीडेड, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये आपको सारे पढ़ने हैं, मैंने आपको ये पीडीएफ में सारे इंक्लूड कर दिए हैं, तो आपको ये सारे नोट भी करने में है और ये याद भी आपको रखने हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज हम यहीं ब्रह्म कुटली क्लास का। ओके, वेलकम।